सनी देओल और अमीषा पटेल की मुख्य भूमिकाओं वाली गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले 5 दिन में ही 229 करोड़ की कमाई कर ली। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिल्म शाहरुख खान के पठान की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। अब फिल्म के छठे दिन का कलेक्शन सामने आने के बाद ऐसा मुमकिन होता दिख रहा है। फिल्म ने छठे दिन यानी 16 अगस्त को भी 34 करोड़ की कमाई की और अब फिल्म की कुल कमाई 263 करोड़ हो चुकी है। पठान के नाम पर भारत में 543 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड है। गदर 2 ने रिलीज के 6 दिनों के भीतर 263 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा का कहना है कि गदर 2 के पठान से आगे निकल जाने की संभावना 95% है। 22 साल बाद आए सीक्वल के लिए जनता का क्रेज देखने लायक है। गदर 2 के शोज से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें ऑडियंस को तालियां सीटियां बजाते हूटिंग करते और गानों पर डांस करते देखा जा सकता है। गदर को लेकर थिएटर्स में 2001 में जो माहौल दिखा था अब गदर 2 को लेकर भी वैसा ही माहौल थिएटर्स में बना है। जनता के इस प्यार का असर गदर 2 की कमाई पर भी नजर आ रहा है। पठान थिएटर्स में रिलीज हुई अकेली बॉलीवुड फिल्म थी। हालांकि इसके अगले दिन ही गांधी गोडसे भी रिलीज हुई लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई माहौल नहीं था, ना ही इस फिल्म से बड़े स्टार्स जुड़े हुए थे। गदर 2 थिएटर्स में अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 के साथ रिलीज हुई है जो खुद जमकर कमाई कर रही है। पठान को तेलुगु तमिल में भी रिलीज किया गया था और इसके हिंदी वर्जन को भी साउथ के मार्केट्स में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।